नमस्कार, आप सभी भाइयों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। पटवारी प्रशिक्षण चयन परीक्षा 2019 RDPO एग्जाम 2019 में लिया गया था, जिसमें आज का ये वीडियो है कटअप सीरीज का। हम हर जिले का कटअप सीरीज आपको बता रहे हैं कि इतना कटअप गया था पिछले बार और इतना में सिलेक्शन हुआ था। उसके अनुसार आप कह पाएंगे कि इस बार जो भर्ती होगी उसमें कितना कटअप जा सकता है। हालांकि आज जो हम ये वीडियो लेकर आए हैं इसमें तो ये नहीं बताया गया कि इतने पोस्ट थे, यहाँ पर बताया गया है सीधे सिलेक्शन लिस्ट है। जनरल फीमेल सबसे पहले आपके स्क्रीन पर आया हुआ है, जनरल फीमेल ये सबसे पहले हम बता दिए किस जिले का है, महासमुंद। ये डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर लिखा हुआ है और यहाँ पर ये महासमुंद लिखा हुआ है। यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि ये कौन सा जिले का है, तो कौन सा जिले का है, महासमुंद जिले का है। फीमेल में हम देखेंगे टॉप में कितना गया है अंक, ये जनरल का है ना, जनरल महिला का है 96 गया है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा 96 हमने थोड़ा सा बड़ा कर दिया टोटल मार्क। हालांकि रैंक इनका कम ज़्यादा हो सकता है, इसको आपको ध्यान नहीं देना है, वाला रैंक और कैटेगरी रैंक में हालांकि एक दो तीन ऐसा है इनका कहेंगे तो 96 गया है पहला टॉप में, दूसरा 95 फिर 93 फिर 92 फिर 89 फिर 89 इस तरह से। और टोटल कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है महिलाओं में देखेंगे 7 हो गया यहाँ पर और यहाँ पर 9 हो गया, तो 9 लोगों को इसमें लिया गया है मेरिट सूची में और 88 यहाँ पर कटअप दिया हुआ है देख सकते हैं। हालाँकि यहाँ हो सकता है 9 पोस्ट ना हो क्योंकि 4 गुना 5 गुना कैंडिडेट को बुलाए जाते हैं, तो एक पोस्ट 2 पोस्ट रहा होगा तो उतना ही कटअप जाएगा 88। यहाँ से आपको पता चल गया जनरल फीमेल में टॉप में कितना गया है, महासमुंद का हम देख रहे हैं जनरल का 109 गया है और टॉप हालांकि हम 4 तक ही देखते हैं और कटअप लास्ट में कितना गया है वो देखेंगे। 1, 2, 3, 4 में आप देखेंगे तो 109 फिर 106 फिर 105 फिर 105 इस तरह से गया है। और इसमें पुरुष में मेल में कितने लोगों को बुलाया गया था वो देख लेते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों का है तो इतने सारे नहीं हैं, ये हो सकता है यहाँ 4 गुना से ज़्यादा कैंडिडेट को बुलाया होगा तो 24 होगा, मान लो 6 पोस्ट इसमें रहे होंगे तो 6 पोस्ट रहे होंगे तो कितना कटअप गया है 102 अर्थात 100 से ऊपर ही गया है। हालांकि ये OBC का कैंडिडेट है लेकिन कि इनका जनरल में सिलेक्शन हुआ है। ये चूंकि जो दस्तावेज सत्यापन के लिए मेरिट सूची बनाई जाती है वो हम आपको बता रहे हैं, ये फाइनली सिलेक्शन लिस्ट नहीं है, लेकिन यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कितना कटअप जाता है ताकि आपको कोई डाउट ना हो। अगला आ चुका है OBC मेल का और OBC मेल में 3 कैंडिडेट को बुलाए गए हैं और तीनों का कटअप जो मार्क है वो कितना है, एक तो हम आपको यहाँ पर क्लियर कर दें इसमें जो टोटल अंक रहता है वो 150 मार्क का होता है। यहाँ पर जो 3 लड़के बुलाए गए थे OBC में जिनका मेरिट सूची आया है वो है 93, 92 और 92। जी हाँ, 93, 92 और 92, तो 3 लोगों का यहाँ से आपको कटअप पता चल गया होगा। टॉप में 93 है और कटअप में 93 है और फीमेल में भी 3 लोगों को बुलाया गया है तो इसमें कितना गया है, इसमें कम गया है पुरुष के मुकाबले 88, 87 और 87 यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यहाँ पर आपको हाईलाइट भी हो रहा है ताकि आपको कोई डाउट ना हो, आपको अगर कोई बात पर डाउट हो रहा है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि आपको अगर स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा, आपको थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा तो हम जूम कर रहे हैं उसको और आप अपना जो वीडियो रिजोल्यूशन होता है उसको बढ़ाएंगे तो आपको क्लियर दिखेगा। अब आ चुका है SC मेल का, तो SC मेल में गया है 3 लोगों का यहाँ पर दिया हुआ है 83, 81 और 80। SC मेल का है तो यहाँ से आपको पता चल रहा होगा 83 टॉप है और 80 कटऑफ है, न्यूनतम है। उसके बाद SC फीमेल का यहाँ पर आ चुका है, SC फीमेल को हम यहाँ पर नंबर को जूम कर लेते हैं टोटल मार्क को तो 71, 70 और 68 है। कितना है SC मेल, यहाँ पर हेडिंग में आप देखेंगे तो SC मेल का है 71, 70 और 68। आपको क्लियर होते हो जा रहा होगा यहाँ से हम आशा करते हैं, और आपको अगर क्लियर हो रहा है मेरा बात आपको समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कोई बात पर डाउट होता है तो आप उसको भी कमेंट करें कि हमें इस बात पर डाउट हो रहा है, हम उसका जवाब देंगे। चलते हैं अगले कैटेगरी को जानते हैं, ये तो हमने देखा SC फीमेल का। अगर आप कहेंगे तो हम एक शॉर्ट बना देंगे कि इतना गया था, ये तो हम आपको कोई डाउट ना हो क्योंकि हम आप मान लो ऐसे ही बना दिए रहते हैं, एक्सपेक्टेड आपको लगेगा, तो इसलिए हम आपको ऑफिशियली के हिसाब से ही बता रहे हैं ताकि आपको कोई डाउट ना हो। और स्क्रीन पर आ गया है इस बार आपका एक्स सर्विसमैन,
किसका? एक्स सर्विसमैन। हमने सारे कैटेगरी को देखा जिसमें मेल फीमेल और जनरल ओबीसी सभी का देखा। अब आ गया एक्स सर्विसमैन, तो एक्स सर्विसमैन में 6 लोगों का है, जिसमें कितने लोगों को बुलाया, कितना नंबर तक को बुलाया गया है, तो 32 नंबर। 6 लोगों का यहाँ पर नंबर आप देखेंगे तो 71, फिर 53, फिर 35, फिर 35, फिर 34, फिर 32, ये हैं इनका कैटेगरी रैंक आप देखेंगे एक्स सर्विसमैन में, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 हैं। तो यहाँ हो सकता है दो पोस्टर रहा होगा, तो 3 के कैटेगरी, 3 के सीरीज में बुलाए गए हैं कि 3 कैंडिडेट को एक में बुलाना है ऐसा इसमें। उसके बाद एसटी मेल का आ गया। जी हाँ, एसटी मेल में एसटी पुरुष में कितना गया था, इसमें कितने लोगों को बुलाया गया है, तो 7 लोगों को यहाँ पर है, और इधर और देखिए तो 9 लोग हैं एसटी मेल में। तो सबसे पहला में कितना अंक गया था वो देख लेते हैं। 89 यहाँ पर दिख रहा है आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये 89, फिर उसके बाद 83, उसके बाद 82, फिर 82, फिर 81, फिर 80, फिर 80। अगर आप बोलेंगे कि पीडीएफ इसका उपलब्ध कराइए, तो पीडीएफ उपलब्ध करा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आने पर आपको पीडीएफ का लिंक मिलेगा जहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे। फिर 77, फिर 77, अर्थात यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि एसटी में 77 गया है। हालांकि इतना पोस्ट नहीं होगा, इनमें तीन के गुड़ज में बुलाए गए हैं, इनमें 3 पोस्ट थे, तो 3 पोस्ट में कितना का सिलेक्शन होगा, 82, 82 का इसमें सिलेक्शन होगा। अगर इनमें से कोई अपात्र हो जाता है तो भी 82 जाता है, 292, इन दोनों का सेम है, लेकिन एज के कारण 1991-92 एज, जिनका ज़्यादा उम्र रहता है उनको ऊपर में लिया जाता है सेम टोटल मार्क होने पर। तो एसटी मेल का आपने देख लिया। इस तरह से जानकारी अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो लाइक जरूर करेंगे। ये आरडीपी भर्ती अर्थात पटवारी प्रशिक्षण चयन परीक्षा 2019 का है, जिसका कटअप आप देख रहे हैं, और ये महासमुंद जिले का है। आप कमेंट कर रहे थे इसलिए हम आपके लिए ये वीडियो लेकर आए कि महासमुंद का बनिए सर बोल रहे थे, तो आपकी डिमांड को पूरा करना भी लगता है और बना देते हैं ताकि आपको अच्छा लगे, और आप एग्ज़ाम की तैयारी को इसको ध्यान में रखते हुए इससे ज़्यादा 20 अंक ज़्यादा लाने की प्रयास करें ताकि आप अच्छे से स्कोर कर सकें, क्योंकि हर वर्ष कंपटीशन बढ़ते जाता है। एसटी फीमेल में कितने लोगों को बुलाया गया है पहले ये देख लेते हैं, उसके अनुसार हम देखेंगे। तो 6 लोगों को बुलाया गया, तो यहाँ पर 2 पोस्ट थे, तो 78 इसमें टॉप में हैं एसटी फीमेल में, और 75 सेकेंड में हैं, तो 2 पोस्ट इसमें था। तो यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि किनका सिलेक्शन हुआ होगा, किनका, दोनों का, 78 और 75। तो कटअप कितना गया, 75 इसमें गया, जो कि बहुत ज़्यादा जा रहा है ये महासमुंद का देख रहे हैं, महासमुंद में बहुत ज़्यादा गया है हर वर्ग में कटअप ज़्यादा गया है, ऐसा नहीं कि एक वर्ग में गया होगा। अगर आपको जानकारी पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करेंगे, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद, मिलेंगे अगले वीडियो पर।